बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ठीक है, इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन ठीक है जी, स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप बात कर ले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये कुछ मोड्स हैं, और भी काफी सारे मोड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके थ्रू होती है। तो भाई अच्छा, इसके अलावा कुछ टेक्निक्स एनिमल्स ने खुद, और एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो कुछ टेक्निक्स हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करते हुए। और वो टेक्निक्स कौन सी हैं उसमें हम देखते हैं टेक्निक्स, उसमें हम देखते हैं टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक, टिश्यू कल्चरिंग ठीक है, और हम देखते हैं क्लोनिंग। जब आप इनकी बात करते हैं तो ये वो टेक्निक्स हैं जो ह्यूमन ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई है, सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो भाई ये टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक और क्लोनिंग हम आगे जाकर देखेंगे। तो ये आपको मैं कुछ चीजें बता दी कि टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक प्लांट के अंदर होती है और क्लोनिंग टेक्निक एनिमल्स के अंदर होती है। ये एनिमल्स के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करते हुए हम आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप मेरी क्लोनिंग करवाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप मेरे जैसे 100% कॉपियां तैयार करवा सकते हैं एनिमल्स के अंदर। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्लोनिंग। एक बात समझ आ गई है? तो यहां पर हमें इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन और डिटेल ही देखेंगे, हम रिलेटिव टॉपिक आगे जाकर ये दिए हुए हैं वहां पर जाके इनकी डिटेल देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट की जब आप बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लांट के बारे में बता दूं। हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसे हम कहते हैं किंगडम प्लांटिंग। उसमें हम प्लांट्स की डिटेल डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सिर्फ मैं आपको हल्का सा तारुफ दूंगा किसका जी, प्लांट्स का। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो हम प्लांट की थोड़ी सी हल्की सी क्लासिफिकेशन देख लें, डिटेली डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो प्लांट दो तरह के हैं, उसमें लोअर प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, ब्रायोफाइट्स, और हायर प्लांट्स को हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं ठीक है जी। तो हमने लाइफ साइकिल आज जो देखना है वो हमने किसका देखना है, हमने देखना है ब्रायोफाइट्स का। और ब्रायोफाइट्स आर इनमें वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते भाई। ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, कंडक्टिंग सेल्स नहीं होते। मेरी बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास थी क्या जी, एनिमल्स की हल्की सी क्लासिफिकेशन। तो ब्रायोफाइट्स की जब आप बात करते हैं और आप प्लांट्स की बात करते हैं तो बेटा यहां पर लिखता हूं मैं, ये आपने याद कर लेनी है बात, प्लांट्स के पास टू जनरेशन होती हैं। प्लांट हैज टू जनरेशन ठीक है जी, प्लांट्स के पास दो जनरेशन होती हैं। टू जनरेशन कौन कौन सी भाई, कौन कौन सी दो जनरेशन होती हैं?
एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन, दूसरी होती है गैमेटोफाइट। ठीक है जी, ये जो जनरेशन है भाई नाम से ही नजर आ रहा है, स्पोरोफाइट जनरेशन इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो है इट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है? गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। बेटा याद रखना है आपने कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन होती है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन होती है। ठीक है जी, और ये बड़ी ये आगे जाके भी हम बात करते हैं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को बनाती है और गैमेटोफाइट अगेन स्पोरोफाइट को बनाती है। स्पोरोफाइट बनाएगी गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को। तो यहां पर मैं बनाऊंगा, आप देखिएगा। ये हम पढ़ने लगे हैं क्या, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। आवर टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट को हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास होगी कौन सी जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन। ये जी कौन सी जनरेशन होगी, स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास होगी, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जनरेशन इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड इट इज डिप्लॉयड। ठीक है, अरे बेटा इसके ऊपर यहां पे मैं डायग्राम भी आपको एंड पे बना के दिखाता हूं। तो इसके ऊपर क्या होगा, स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगेगा, उसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया। इट इज ये थैली है, एक थैली है जो स्पोरोफाइट के ऊपर लगती है। अच्छा, इस स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होते हैं स्पोर मदर सेल। क्या मौजूद होते हैं? स्पोर मदर सेल्स। क्या मौजूद होते हैं जी? स्पोर मदर सेल्स। भाई ये भी डिप्लॉयड, स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड। क्लियर, स्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है मियोसिस। क्या होती है जी? यहां पे मियोसिस, मियोसिस। और मियोसिस के जरिए से बनते हैं हमारे पास क्या जी? स्पोर्स। और स्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, मैंने आपको बताया था मियोसिस जिधर भी होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा रह जाएगा। तो हम चेक करें आधा रह गया कि नहीं। अब ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे और जिस जगह पे स्पोर जाके गिरेगा वहां पर क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, स्पोर गिरा किसी जगह पे, वहां पर वो ग्रो किया और वो बना देगा गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट स्पोर से बन रहे हैं और स्पोर हैप्लॉइड है, दैट्स व्हाई गैमेटोफाइट आल्सो हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट भी क्या होगा? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा क्या लगेंगे? सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है जी, सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या कहते हैं बेटा? एंथ्रीडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं गैमेट। क्या बनते हैं बेटा? गैमेट। क्या बनते हैं? गैमेट। एंथ्रीडिया के अंदर जो है वो मेल गैमेट, क्योंकि ये मेल सेक्स ऑर्गन है तो यहां पे क्या बनेगा? मेल गैमेट। और उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियोजॉइड। एंथ्रीडियो जॉइड, या आप इसे स्पर्मेटोजॉइड भी कहते हैं।
ठीक है जी, और स्पर्मेटोजॉइड यहां पर आर्जिगोनी यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, जैसे आप कहेंगे क्या जी एग, या इसे ऊसफर भी कहते हैं आप, ऊसफर, ठीक है जी, दोनों इसी के नाम है। अब क्या होगा कि ये जो एंथ्रीडियोजॉइड और स्पर्मेटोजॉइड है ये वाटर के थ्रू फ्लोट करता हुआ जाएगा किसके पास, एग के पास, ठीक है, ये किसके पास गया, एग के पास, और एग के साथ फ्यूज कर गया, एग के साथ फ्यूज कर गया। अच्छा भाई याद रखना आपने, ये मेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है, क्योंकि गैमेटोफाइट होता ही हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, ये भी हमारे पास एग भी हैप्लॉइड होगा, दोनों जब फ्यूज करेंगे तो ये बनाएंगे क्या जी, जाइगोट। बेटा ये क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट होगा 2n, क्योंकि 1n फ्रॉम एंथ्रीडियोजॉइड और स्पर्मेटोजॉइड, 1n फ्रॉम एग और ऊसफर, दे कंबाइन टू फॉर्म डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज कॉल्ड एज अ डिप्लॉइड, जाइगोट होगा डिप्लॉइड। भाई याद रखना है आपने, जाइगोट जाइगोट विल ग्रो टू फॉर्म द, हां जी, स्पोरोफाइट। मेरी बात समझ आ गई है, क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो भाई ये चेक करिएगा, मैं इसे भी रेड से कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो ये क्या था, गैमेटोफाइट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट फॉर्म द गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट अगेन फॉर्म द स्पोरोफाइट। तो भाई एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बना रही है, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है जी अल्टरनेशन ऑफ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर हो गया,